हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हमने सोचा कि आपको जो पहाड़ी लाइफस्टाइल है सब कुछ बताया जाए कि कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे यहाँ के मकान होते हैं, कैसे यहाँ की दैनिक जो दिनचर्याएँ होती हैं वो होती हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसा यहाँ सब कुछ होता है, सुबह से शाम तक कैसे लोग गुजर बसर करते हैं और पुराने टाइम के जो मकान थे वो कैसे होते थे। तो शुरू करते हैं ये ब्लॉग। तो जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये वाला मकान, ये पुरानी धरोहर है उत्तराखंड की। इसमें जो यूज़ होता है सीमेंट का, कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। सीमेंट की जो लाल मिट्टी का यूज़ होता है, जो सीमेंट का काम करती है, और सीमेंट से भी मजबूत वो मिट्टी होती है। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो हमारे सीमेंट वाला मकान है और ये हमारा पुराना मकान है। तो अभी हमने इसमें टिन डाल दी है क्योंकि अगर इसका मेंटेनेंस टाइम पर नहीं होगा तो इसमें से पानी जो होता है वो चूने लगता है या अंदर आने लगता है वो पानी। इस वजह से अब हमने इसमें टिन डाल दी है। तो आपको अंदर से भी दिखाते हैं कैसा है हमारे अंदर से ये मकान। और यहाँ पे हमने ये जो है यहाँ पे एलोवेरा भी लगाई हुई है। ये देखिए बहुत सारी एलोवेरा यहाँ पे हुई है हमारी, देखिए बहुत सारी एलोवेरा यहाँ पे हुई है। और अभी आपको अंदर से दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं कि क्या क्या हम करते हैं सुबह से शाम तक। तो अंदर अगर बात की जाए तो ये छोटा सा यहाँ पर रास्ता है, पहले गेट हुआ करता था तो अभी हमने इसे बंद ही किया। तो क्योंकि यहाँ पे मकान जो था, जो सीमेंट वाले मकान की मैं बात कर रहा हूँ, वो मकान यहाँ पे हमने लगवाया तो उसके बाद हमने दरवाज़ा बंद किया, वरना यहाँ से हमारा रास्ता था। जब ये रास्ता बंद हुआ तो फिर हमने यहाँ से जो है ये वाला रास्ता खोल दिया। ऊपर इसमें टिन है और लेकिन जो अंदर से है पुराना वही मकान है, क्योंकि बहुत पुराना है मकान है। और बात की जाए इस चीज़ की, इसका इस्तेमाल पुराने समय में पानी रखने के लिए और अनेक प्रकार की वस्तुएँ रखने के लिए किया जाता था। ऐसे ही मकान होते थे। इसके बगल में भी हमारा ही मकान है, उसमें भी आपको दिखाते कि ये बहुत पुराने मकान हैं, सालों साल पुराने, सीमेंट से भी बहुत मजबूत मकान। पर माना ये जाता है इन मकानों के लिए कि जब तक इनका मेंटेनेंस होगा तब तक ये चलते हैं। अगर जैसे अगर कोई आदमी अगर छोड़ के यहाँ से चले जाता है तो ये मकान भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगर प्रॉपर अगर इसका मेंटेनेंस रहे, इसमें लिपाई पोताई होती रहे, तो ये मकान सालों साल चलते हैं। इसमें सीमेंट का कहीं यूज़ नहीं होता, लाल मिट्टी गोबर और पत्थर से इतने बड़े बड़े मकान होते हैं। और इनका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा एक ही टेम्परेचर पर रहता है। अगर ठंड है तो भी ये ज़्यादा ठंडे नहीं होते, और गर्म है तो भी ज़्यादा गर्मी इसमें नहीं होती। टेम्परेचर सेम रहता है हर एक कंडीशन के लिए। एयर कंडीशनर अगर हम कहें वो इसके लिए हम कह सकते हैं, एक शब्द हो सकता है एयर कंडीशनर, एसी ऐसा शब्द इसके लिए हो सकता है। तो ये वाला कमरा आपने देख लिया है, उसके बाद दिखाते हैं आपको जो नेक्स्ट कमरा है वो पूरा पत्थर का है। इसमें भी हमने चेंजेस किए हुए हैं। ये छोटा सा गेट यहाँ पे भी है, इनकी ऊँचाइयाँ ज़्यादा नहीं होती हैं अगर देखा जाए तो। ये ऐसे होते हैं ये मकान, लकड़ी मिट्टी और पत्थर, ये सारा का सारा बेस इस लकड़ी पे टिका हुआ है, इस लकड़ी पे सारा बेस टिका हुआ है अगर देखा जाए। और जो नीचे आपको दिख रहा है जो ये फ़र्श, ये कोई फ़र्श नहीं है, ये सब कुछ कोई फ़र्श नहीं है, ये गोबर और मिट्टी से लिपा पोती की जाती है, उसके बाद ये ऐसी संरचना तैयार होती है। और अगर इसकी बात की जाए, ये खिड़की, पहले खिड़कियाँ पूरी खुली थी पर यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हमें इन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि वो नुकसान करते हैं अंदर आके। तो मतलब उनका भी यही है कि वो भी पेट कैसे भरेंगे, पर अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो इस वजह से हमने ये भी बंद किया है। ये भी उत्तराखंड की एक अनोखी पहचान ऐपण है। ये कुछ इस प्रकार दिए जाते हैं, कलर के साथ भी दिए जाते हैं, और पुराने समय में चावल से ये ऐपण दिए जाते थे। और जो अगर बात करूँ इस मकान के जो बाहरी गेट है वो बहुत बड़ा और विशालकाय गेट होता था, जैसे महलों में गेट होते हैं कुछ इस प्रकार के गेट होते थे। और ऊपर से जो है इसमें डिज़ाइनें होती थी। और एक खूबसूरती की बात ये होती है कि इनमें चिड़ियाओं के लिए जो आपको दिख रहे हैं ऊपर घोंसले, वो दिए जाते थे, क्योंकि माना ही जाता है जहाँ चिड़ियाएँ अगर निवास करती हैं तो वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। पुराने तथ्यों के आधार पर इस प्रकार का काम किया जाता था इनमें, और अब ऐसे मकान नहीं बनते हैं। यहाँ पे जो रसोईयाँ होती हैं वो घरों से थोड़ा सा अलग होती हैं, क्योंकि यहाँ प्रवेश वर्जित होता है सभी का। प्रवेश करना है तो आपको चप्पल पहले बाहर उतारने होंगे, इस प्रकार के यहाँ के नियम होते हैं। और ये हमारी है रसोई, इसके गेट काफ़ी मजबूत होते हैं, बहुत ताकत लगती है खोलने के लिए, क्योंकि इसमें पेच वेच कुछ नहीं होते, ये खूंटों पे आधारित गेट होते हैं, पुराने गेट जो होते हैं। तो दिखाते हैं आपको अंदर कैसा है हमारे। देखिए यहाँ पे ये सब कुछ जो है ऊपर लकड़ी का ही है, क्योंकि ऊपर वाले कमरे के जस्ट नीचे ये है। और यहाँ पे हमारी देखिए लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे इसी के जस्ट बगल पे जो है चूल्हा है, ये चूल्हा है हमारा। और यहाँ पे गैस रखी हुई है, गैस भी है,
गैस इसलिए टेबल पिन रखी है क्योंकि अगर धुएं और गैस दोनों में काम करना होगा तो फिर जो गैस पे काम करेगा उसको ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए गैस जो है नीचे ही ज़मीन पर रखी गई है, टेबल पे नहीं रखी है। तो और आप बाहर दिखाते हैं आंगन में कैसा है हमारे इस प्रकार के जो हैं हमारे आंगन होते हैं। इन आंगनों का उपयोग किसी भी चीज़ को सुखाने के लिए, दालें सुखाने के लिए, धान सुखाने के लिए, गेहूँ सुखाने के लिए किया जाता है, और काम के समय दालों को निकालने के लिए और गेहूँ की मनाई, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और आपको एक और चीज़ अच्छी सी चीज़ दिखाते हैं, और ये वो अच्छी चीज़ है। ओखली पुराने समय वाले जानते होंगे कि उनका पेट इसी के द्वारा भरा जाता है, लेकिन अब इसका उपयोग होना कम हो गया है क्योंकि हर जगह मोटर और चक्कियों का इस्तेमाल होने लगा है धान कूटने के लिए, लेकिन पहले इसी में सब कुछ होता था, इसी से गुजर बसर होती थी। इसकी बात अलग है, अभी भी इसे पूजा जाता है यहाँ पे दिवाली के टाइम, लक्ष्मी के पांव इससे निकाले जाते हैं कि इसी से, क्योंकि पुराने समय में मान्यता यही है कि इसी से जो है हमारा गुजर बसर हुआ था, तो इसकी पूजा भी की जाती है। पहाड़ों की खेती बाड़ी की, कैसी खेती बाड़ी यहाँ पर होती है, क्या क्या चीज़ें हमारे खेतों में हुई है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। हमारी जो हुई है ये हुई है मौसमी, बहुत सारी मौसमी हुई है यहाँ पर, अभी इनके पकने में समय है, कुछ टाइम बाद ये पक जाएंगी। चलते हैं अपने बगीचे की तरफ और दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ है हमारे बगीचे में। ये देखिए नीचे जो है हरी सब्जी हो रही है अभी मतलब शुरुआत है इसकी, और यहाँ मक्के तो आपने पहले ही देखे क्योंकि बहुत सारे मक्के हुए हैं। शिमला मिर्च हो रही है हमारे खेतों में, ये देखिए अभी इनके अब ख़त्म होने का समय है शिमला मिर्च के, तो बैंगन भी हो रहे हैं। अब शिमला मिर्च और बैंगन के जो है समाप्ति का समय होता है, इसलिए आपको कम कम लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन हुए थे, हमने खा लिए हैं काफ़ी। इतने सारे हुए हैं मक्के, मक्के दिखाऊं मैं आपको कितने सारे मक्के हुए हैं। इनके होने में भी बस थोड़ा सा समय है, कुछ समय बाद ये पूरे हो जाएंगे, जब इनकी जो ऊपर की ये चीज़ है ये थोड़ा इस टाइप की हो जाएगी, सूखने लगेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अब पक चुके हैं, खाने के लिए रेडी हैं। और हमारे फूल देखें, फूल भी बहुत सारे होते हैं हमारे वहाँ पे, ये बहुत सारे फूल, एक फूल ये है, एक फूल यहाँ पे हो रहा है, करेले की बेल, करेले की बेल है ये, छोटे छोटे करेले हो रहे हैं इसमें, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये छोटे छोटे करेले अब हो रहे हैं इसमें। और इधर जो है ये अंगूर की बेल है, ये अंगूर की बेल बहुत लंबी बेल है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये अंगूर की बेल है, इसमें काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और देखिए नींबू भी हो रहा है यहाँ पर, एक नींबू भी यहाँ पर हो रहा है। गडेरी, पहाड़ के भाई लोग, कुमाऊँ के और गढ़वाल के भाई लोग जानते होंगे क्या होती हैं गडेरियाँ, अरबी की तरह होती हैं। और ये हमारे भिंडी के पेड़ हैं, सब कुछ हो रहा है। और ये टमाटर की बेल है, टमाटर की बेल है। और ये हमारे केले के पेड़, कौन कहता है उत्तराखंड में कुछ भी नहीं होता, बहुत कुछ यहाँ होता है, बस करने वाले चाहिए। और हमारी मिर्च देखिए, अब मिर्च भी हो रही है क्योंकि अभी का टाइम होता है मिर्च का, तो मिर्च भी अब लगने लगी है हमारे नन्हे नन्हे पौधों में, हमने सींच कर इन्हें बड़ा किया है, तो अब हमें मिर्च प्रोवाइड करा रही है। देखिए मिर्च, बहुत सारी मिर्च हुई है हमारे खेत में। जो आप मेरे बिल्कुल आगे देख रहे हैं वो लौकी की बेल है, बहुत बड़ी बेल हो गई है, लेकिन अभी तक इसने हमने लौकी प्रोवाइड नहीं कराई है, टाइम हो रहा है अब प्रोवाइड कराएगी धीरे धीरे लौकी। और ये है हमारी कद्दू की बेल, इसमें कद्दू लगे हुए हैं, अभी स्टार्टिंग हो रही है कद्दू की भी, धीरे धीरे आप ज़्यादा ज़्यादा कद्दू लगेंगे। बहुत कुछ यहाँ हुआ है, और चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको। खीरा, खीरा की बेल है ये, अभी इसमें खीरा लगने शुरू हुए हैं, उस टाइम में खीरा भी पूरे लग जाएंगे अच्छी तरह से। और बहुत सारे फूल हमारे वहाँ पर हुए हैं, ये देखिए गुलाब का फूल, बहुत सारे फूल होते हैं हमारे वहाँ पे। ये भी खीरा का ही बेल है, जो
गांव वाले इलाके होते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे जो वॉशरूम होते हैं वो घर से थोड़ा सा दूरी पे बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ घरों में काफ़ी पूजा पाठ होता है, जिस वजह से ये माना जाता है कि अगर घर के अंदर वॉशरूम होंगे तो अशुद्ध घर माने जाते हैं। इसलिए जो गाँव के इलाकों में होते हैं जो वॉशरूम होते हैं वो घर से काफ़ी दूरी पर बनाए जाते हैं। देखिए हमारा वॉशरूम बहुत दूर है, हमारा घर यहाँ पर है और यहाँ से काफ़ी दूरी पर हमारा वॉशरूम है, तो यहाँ पर इस प्रकार से वॉशरूम भी बनाए जाते हैं। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ की डिफरेंट हैं, आइए यहाँ के कल्चर को समझते हैं और देखते रहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जानवर क्या क्या हैं। तो हमारा जो गौशाला है वो हमारे मकान के बैकग्राउंड में है, बिल्कुल मकान के पीछे हमारी गौशाला है। दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास क्या क्या गायें हैं। हमारे पास देखिए बहुत सारी गायें हैं, 4 गायें हमारे पास हैं, 2 गाय, 2 बच्चियाँ और 1 छोटा बच्चा भी है उनका, वो भी हमारे पास। और ये धुआं उन्हें लगाया गया है कि मच्छर वच्छर उन्हें ना काटे, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बधे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये धुआं लगाया गया है क्योंकि ताकि इन्हें कोई नुकसान ना हो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये एक बच्चा ये है, ये छोटा छोटा बच्चा ये है और एक छोटा सा बच्चा ये है। ये डरता है थोड़ा, ये डरता है। ये हमारी गौशाला है और अंदर जो है गौशाला, हम यहाँ इसके अंदर गायें बांधते हैं। ये और इन दोनों की आज फाइट भी हुई थी, मैंने उसका शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब पे, अगर जिसने वो वीडियो भी नहीं देखी वो भी देख लें, बहुत वायरल हो रहा था वो पोस्ट, तो देखिएगा। इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, ये अभी शांत दिख रहे हैं पर ऐसे शांत नहीं है, बहुत नटखट हैं ये गायें। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं उत्तराखंड की ऐसी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।